solar cell. This is the third application of the photodiode, solar cell. Solar means sun, cell means electric energy. This is the particular solar cell. This is the cell we can say that is used to convert that sun energy into that of electric energy that we can use in the domestic purpose or the industrial purpose. The particular PN junction diode that are used is the silicon or the gallium arsenide. Use कर सकते हैं दोनों में से कोई भी use कर सकते हैं. कैसे करता है, कैसे इसकी structure है, let's see. It like this is the particular P and N junction. Okay, this is your P, this is N, and in between there is a what is there? There is a depletion layer. Depletion layer. वहाँ पे क्या होते हैं? Depletion layer P में क्या होते हैं? Hole होते हैं. ठीक है जी. तो electrons नहीं होते हैं. So, इसीलिए यहाँ पे एक नेगेटिव, ये इनकी जो टेंडेंसी बन जाती है नेगेटिव. सिमिलरली एन में क्या होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसकी टेंडेंसी क्या होती है पॉजिटिव को अट्रैक्ट करना, तो इसकी यहाँ पे पॉजिटिव बन जाते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है. ठीक है, इस डिप्लीशन लेयर में. अब इस डिप्लीशन लेयर में जो पर्टिकुलर एटम होते हैं, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, वो पूरे के पूरे न्यूट्रलाइज होते हैं, जब भी लाइट फ्रॉम द सन इस पे फॉल करती है, लाइट जैसे सन से फॉल की, तो क्या हो गया, ये जो एटम है वो स्प्लिट अप होगी. स्प्लिट अप होगी मतलब क्या हो गया, ये वाले एटम इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव आयन में स्प्लिट अप होगी. ठीक है जी. अब हमें ऑलरेडी पता है क्या, इस पे नेगेटिव है, एन वाली साइड पॉजिटिव है ऑलरेडी फील्ड. ठीक है जी. तो जब यहाँ पे जो एटम है डिप्लीशन लेयर में वो स्प्लिट अप होंगे पॉजिटिव और नेगेटिव में, तो क्या होगा, पॉजिटिव की जो टेंडेंसी होगी वो किस तरफ मूव करने की होगी, नेगेटिव की तरफ. दैट मीन ये होल है वो पॉजिटिव है, सो दे विल हैव टेंडेंसी टू मूव दिस टूवर्ड द पी. सिमिलरली जो डिप्लीशन लेयर में जो ये एटम में से नेगेटिव आयंस आए हैं उसकी क्या टेंडेंसी होगी, हमारे पॉजिटिव की तरफ, माना जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पॉजिटिव पॉइंट की तरफ जाना. ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई है ये अपने आप जनरेट हुई है, ये हमने शुरू में पढ़ा था पीएन जंक्शन डायोड में ये कैसे जनरेट हुई है. तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन थे डिप्लीशन लेयर में वो किसकी तरफ आएंगे, बैटरी के, जो इट्स नॉट ए बैटरी, इट इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड इन बिटवीन ऑफ दैट ऑफ पीएन जंक्शन डायोड. सो यहाँ पे जो नेगेटिव है पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे. तो ये आपका टोटल पीएन जंक्शन है. नीचे इसके क्या है, एक मेटल प्लेट लगा रखी है, ऊपर ग्लास टॉप है. ठीक है जी, ऊपर ग्लास टॉप है. अब इसमें है क्या, इसके ऊपर एक सिलिकन के स्ट्रक्चर बना रखी है. वो कैसे है, अगर हम फ्रंट से देखेंगे तो ये डोर दिखाई देगी, अगर टॉप से देखेंगे वो हम आगे देखते हैं. अब इसके नीचे मेटल है, ऊपर हमने क्या लगाया है पी, ये जो पी के पी पी डायोड वाला पार्ट है उसके ऊपर हमने क्या लगाया है, एक ग्लास टॉप, और उसी के ऊपर हमने सिलिकॉन की स्ट्रक्चर बना रखी है. तो जैसा ये इलेक्ट्रॉन्स अब आपको सिलिकॉन पे आते हैं, जो ये स्ट्रक्चर हमें फ्रंट से दिख रही है वो फिंगर टाइप स्पेसिंग इस तरह से स्ट्रक्चर होती है. ये जो पार्ट है अंदर वाले, ये वाले खाली हैं, एक दो तीन, ये फिंगर टाइप होती है ऐसे. ठीक है जी, ये फिंगर टाइप क्यों होती है, ये जो पर्टिकुलर स्पेस छोड़े होते हैं ये क्या होते हैं, लाइट को फोल्ड करने के लिए, ताकि जो लाइट फोल्ड करे. और ये जो पी और एन की जो पर्टिकुलर थिकनेस होती है वो फ्यू दैट 10^-3 meters तक होती है, 10^-6 तक भी होती है. अब ये आपको मिलीमीटर तक भी, माइक्रोमीटर तक भी चली जाती है, मोस्टली बहुत ज्यादा थिक होते हैं. ठीक है जी, तो इससे क्या हो जाता है, जो लाइट जो फॉल करती है वो इजिली जंक्शन पे आ जाती है. अगर ये बहुत ज्यादा थिन है, नॉट थिक, ये बहुत ज्यादा आपके थिन है पी और एन, तो क्या होगी, जो लाइट फॉल करेगी वो इजिली ट्रेवल होके इस जंक्शन पे आ जाएगी. इसीलिए ये बहुत ज्यादा थिन होते हैं, थिक नहीं थिन होते हैं. अब ये पर्टिकुलर स्पेस इसलिए छोड़ी जाती है क्योंकि जो लाइट है वो फॉल कर पाए. ये पर्टिकुलर है सिलिकॉन का आपका, जो मैंने फ्रंट में आपको डोर से दिखाया गया, अगर टॉप से देखोगे तो ऐसे है. अब सिलिकॉन फिंगर ऐसे की, सिलिकॉन फिंगर्स क्यों लगाइए, बिकॉज दे हैव अ गुड कंडक्टर, एज वी नो सिलिकॉन इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी. सो व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स, जब ये इलेक्ट्रॉन्स नीचे की तरफ जाएंगे और होल आपके
इस नेगेटिव साइड की तरफ जाएंगे, सो इट हैव वेरी गुड टेंडेंसी टू अट्रैक्ट देम, सो इट बिकम ए पॉजिटिव टर्मिनल, सो इट बिकम ए नेगेटिव टर्मिनल। जैसे लाइट फॉल की, उसने काम क्या किया, डिप्लीशन लेयर में जो भी एटम थे उनको स्प्लिट अप कर दिया इलेक्ट्रॉन्स में और आपके पॉजिटिव आयन में। उसके बाद आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी टेंडेंसी क्या होगी, पॉजिटिव की तरफ जाना, नीचे की तरफ जाना, और होल्स की टेंडेंसी ऊपर की तरफ जाना, ठीक है जी। अब इसके बाद क्या है, अगर होल ऊपर जाएंगे तो ये पॉजिटिव बनेगा, अगर इलेक्ट्रॉन्स जो ये डिप्लीशन लेयर से आएंगे जो नेगेटिव बन गया, तो अगर इलेक्ट्रॉन्स ऐसे घूमने लग जाएंगे तो यहां पे एक हम एक्सटर्नल लोड लगा देंगे, उस पे हमें क्या मिल जाएगी, इलेक्ट्रिक एनर्जी। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो इसके नीचे क्या है, हमारा एक मेटल का सरफेस है, ठीक है जी, और इसके ऊपर ग्लास का सरफेस है जिसके ऊपर हमने सिलिकॉन की फिंगर लाइक की स्पेसिंग डाल रखी है। अब यहाँ पे वोल्टेज कैसे मिलती है, जब हम एक्सटर्नल लोड नहीं कनेक्ट करते हैं, ये एक्सटर्नल लोड है जब हमने कनेक्ट नहीं किया, सो इन दैट केस एक्सटर्नल लोड का मतलब यहाँ पे हमने कोई भी कनेक्ट नहीं किया तो हमें वी फुल मिलेगी, वी फुल मिलेगी। जब हमने एक्सटर्नल लोड कनेक्ट किया तो हमने क्या किया, आई जैसे जैसे इंक्रीज होगी, आई जैसे जैसे आपका इंक्रीज होगा, देखिए वी कम होगा, ये चीज बढ़ेगी क्योंकि ये माइनस टाइम है इसके आगे, तो ये क्या होगी, कम होगी, ये चीज बढ़ेगी तो ये चीज कम होगी। तो यहाँ पे जब कोई भी हमने एक्सटर्नल लोड कनेक्ट नहीं किया, वी गेट द फुल वोल्टेज व्हेन देयर इज नो करंट, बट व्हेन वी जस्ट कनेक्ट द एक्सटर्नल लोड व्हाट विल हैपन, दिस वोल्टेज गोज टू डिक्रीज 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 एंड ऑलमोस्ट गोज टू जीरो एट दिस पॉइंट व्हेन देयर इज अ फुल करंट। सो दिस इज सोलर सेल, दिस हैव वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इन द केस ऑफ द स्कूल वेयर द वी कैन सी द उनकी छतों पे पूरा लगा होता है, इंडस्ट्री में लगा होता है, बिकॉज लाइक दे हैव सोलर सन हैज सच ए पोटेंशियल दैट दे कैन गिव एनर्जी विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी, सो दैट वी गेट आउट ऑफ फ्रॉम दैट ह्यूज बिल्स, जो हमें बहुत सारे बिल्स आते हैं इलेक्ट्रिसिटी, उसे बचा जा सकता है। इस तरह से इनकी बहुत ज्यादा सोलर सेल की आपकी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस।